टीबी की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी, टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका अगर सही समय पर इलाज नहीं किया गया तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। भारत सरकार ने टीबी की रोकथाम के लिए काफी प्रयास किए हैं, काफी विज्ञापन किए हैं और लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में अभी भी टीबी से लेकर बहुत सारी दुविधाएं, बहुत सारी शंकाएं हैं। इन शंकाओं का समाधान करने के लिए हमने डॉक्टर रविंद्र सांगलीकर, जो थाने के जाने माने काफी विख्यात पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, जो पिछले 23-24 सालों से थाने में प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं डॉक्टर सांगलीकर से निवेदन करूंगा कि जितने भी हमारे क्वेश्चन आंसर हैं वो सारे वो दें, जिससे ये जो इंफॉर्मेशन है वो काफी लोगों तक पहुंच सके और इससे लोगों का फायदा हो सके। टीबी ये बीमारी बहुत साल से इंडिया में है एंड वर्ल्ड में भी है, मगर उसकी जो बढ़ने की संभावना है वो बढ़ती जा रही है, उसका जो मरने का पेशेंट का मॉर्टेलिटी रेट है वो भी बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसे 2007 में 3,30,000 पेशेंट मरते थे तो अभी वो 4,00,000 से ज्यादा हो गए। अभी वैसे पेशेंट के लिए गवर्नमेंट का टीबी का प्रोग्राम भी सही सही से जा रहा है, मगर कुछ कुछ भूल पेशेंट से हो जा रही है और उस कारण पेशेंट ट्रीटमेंट का कोर्स कंप्लीट नहीं कर रहा। तो टुडे जो सेशन है उसमें पेशेंट की कुछ डाउट्स है वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा क्वेश्चन था कि क्या तपेदिक या टीबी एक अनुवांशिक रोग है? टीबी या अनुवांशिक डिजीज नहीं है, वह खून से और जेन से नहीं आती है, मगर कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक ही फैमिली में बाप को, बेटे को, माँ को टीबी होती है, मगर यह बीमारी है ये संक्रमण से या कफ से जो जंतु बाहर आते हैं उसके क्रॉस इन्फेक्शन के कारण होती है। डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों है कि टीबी या तपेदिक की दवाइयां एक ही जगह से कम 6 महीने के लिए लेनी चाहिए? टीबी वर्ल्ड एपिडेमिक है और टीबी की दवाई रेगुलर लेते हुए भी, सप्लाई रेगुलर रहते हुए भी उसकी बिगड़ने की संभावना बहुत हो रही है, तो ये बहुत से कारण पेशेंट ही होते हैं। इसमें पेशेंट का उसको बोलते पुअर कॉम्प्लायंस फॉर द ट्रीटमेंट, कभी कभी पेशेंट दवाई लेने को भूल जाता है, काम के कारण वो एक शहर से दूसरे शहर जाता है, मगर ये करते हुए वो पेशेंट बीच में ही 6 महीने का कोर्स 2 महीने में ही बंद कर देता है। इस कारण एक टीबी पूरी तरह से ठीक होना चाहिए या ठीक होना मांगता है तो पेशेंट ने एक जगह ही रह के एक ही डॉक्टर से, एक ही टीबी सेंटर से 6 महीने के लिए रेगुलर दवाई लेना जरूरी है। डॉक्टर साहब, एकेटी दवा लेने का सबसे सही तरीका क्या है? एकेटी या टीबी की जो दवाई रहती है वो पेशेंट ने 6 महीना लेना जरूरी है या 9 महीना लेना जरूरी है, जैसे भी डॉक्टर ने बताया होगा, मगर टीबी ये जो बीमारी है ये धीरे धीरे ठीक होने वाली बीमारी है। जंतु को मरने के लिए 6 महीने का टाइम या 9 महीने का टाइम लगता है, इसलिए पेशेंट ने वो दवाई 6 महीना या 9 महीना लेना जरूरी है। मगर दवाई में जो होती है वो 4 प्रकार की होती है और ये 4 प्रकार की गोली पेशेंट ने दिन में खाना है, मगर उसमें एक रिफैम्प्रिसिन करके गोली होती है, वो रिफैम्प्रिसिन सबसे स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है और यह मेडिसिन खाली पेट नाश्ते के 2 घंटे पहले लेना जरूरी है और जो भी दूसरी प्रकार की दवाई है वो खाने के बाद ले सकते हैं। मगर बहुत सारे पेशेंट गोलियां खाने के बाद लेते हैं, इस कारण टीबी बिगड़ने की संभावना ज्यादा होती है। जैसे गवर्नमेंट सेंटर में या कई प्राइवेट सेंटर में कॉम्बिनेशन मेडिसिन और फिक्स डोज कॉम्बिनेशन मिलते हैं, उसमें एक ही गोली में 4 प्रकार की दवाइयां मिक्स होती है, सभी ऐसी प्रकार की गोली पेशेंट लेता है तो ये सब गोली एक साथ एक ही टाइम खाली पेट लेना जरूरी है। यही मेन टीबी में टीबी की दवाई की लेने का प्रिंसिपल है, इस तरफ से लेने से टीबी ठीक होने के चांसेस 100% रहते हैं। डॉक्टर साहब,
एकेटी दवा लेने के आम दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव क्या होता है? एकेटी या टीबी की जो मेडिसिन है उसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स रहते हैं और इस साइड इफेक्ट को पकड़ के ही हम लोग दवाई चालू करना और रेगुलर लेना जरूरी है। जैसे कि दवाई लेने से पेशाब का रंग लाल हो जाता है, कभी कभी जॉइंट्स पेन्स होते हैं, कुछ पेशेंट को वॉमिटिंग होते हैं, कुछ पेशेंट को खुजली आ जाती है, मगर ये बहुत मामूली साइड इफेक्ट है। इन साइड इफेक्ट के लिए डॉक्टर पेशेंट को कुछ मेडिसिन दे सकते हैं कि जिसके कारण साइड इफेक्ट कम हो सकते हैं, मगर टीबी की दवाई कंटिन्यू लेना जरूरी है यह साइड इफेक्ट हुए तो भी। सर, एकीडी की दवा लेने से बुखार कितने दिनों में जाती है? टीबी की दवाई लेते हुए भी बुखार रहने के कुछ कारण रहते हैं, मगर टीबी सही होती होगी तो वो बुखार डेढ़ महीने तक निकल जाता है। तब इसलिए डेढ़ महीने तक पेशेंट ने टीबी की दवाई होते लेते समय टीबी बुखार आया तो उसमें कुछ परेशान होने की बात नहीं है। डॉक्टर साहब, मेंदू या दिमाग का टीबी या हड्डियों का टीबी कैसे होता है? बहुत से पेशेंट मेरे पास आते हैं और वो पूछते हैं कि मेरे को ब्रेन का टीबी हुआ था मगर जंतु कहाँ से गए। तो मेरे को मेरा उस पे एक ही एक्सप्लेनेशन है कि अपने देश में टीबी की मात्रा इतनी हाई है कि जब भी बच्चा पैदा होता है तो कई साल तक वो टीबी के जंतु शरीर में उसके शरीर में जाते हैं और वो जंतु खून में से बहुत जगह जैसे ब्रेन में, बोन में, लीवर में, किडनी में, फेफड़े में जाके बैठते हैं और आगे जब जिंदगी में या कभी बड़े होने के बाद उसकी बॉडी की पावर या इम्यूनिटी कम हो जाती है तो पर्टिकुलर ऑर्गन में से वो जंतु मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे भी ब्रेन में वो जंतु मल्टीप्लिकेशन किया तो ब्रेन का टीबी होता है, बोन में वो जंतु मल्टीप्लाई हुए तो बोन का टीबी होता है। इसलिए जंतु ही अपने शरीर में ही रहते हैं, खाली इम्यूनिटी कम होने के कारण वो जंतु मल्टीप्लिकेशन के कारण उस ऑर्गन का टीबी हो जाता है। डॉक्टर साहब, क्या टीबी एक संक्रामक रोग है? हाँ, टीबी ये एक संक्रामक रोग है। जैसे बहुत से पेशेंट पूछते हैं कि मेरे को गांठ का टीबी हुआ है तो मेरे बच्चे को टीबी हो सकता है क्या? तो ये गांठ का टीबी, बोन का टीबी, यहाँ से जंतु बाहर नहीं आते हैं। फेफड़े का टीबी हुआ तो वहां से ही खांसी के कारण जंतु बाहर आते हैं और वो जंतु दूसरे पेशेंट के या दूसरे आदमी के शरीर में गए तो उसको वो टीबी हो जाती है। इसलिए टीबी या इन्फेक्शियस या संक्रमक डिसीज है। डॉक्टर साहब, टीबी की रोकथाम कैसे की जाती है? टीबी जब संक्रमक डिसीज जैसे फेफड़े के टीबी के लिए ज्यादा प्रिकॉशन लेना जरूरी है क्योंकि यह टीबी घर में सब फैल सकता है या सोसाइटी में फैल सकता है। तो इसलिए पुराने जमाने में आइसोलेशन, पेशेंट को आइसोलेट करके रखते थे, मगर अभी बहुत सारी मेडिसिन आने के कारण जंतु मरने का जो प्रमाण है वो बहुत जल्दी हो गया है। जैसे दवाई चालू करने के 15 दिन में जंतु मरना चालू हो जाते हैं, मगर उस 15 दिन के दरमियान या 2 महीने के दरमियान पेशेंट को एक तो मुंह पे मास्क बांधना है और ये मास्क भी जैसे कि स्पेशल मास्क मिलता है N19 या कपड़े का कागज का मास्क जिसमें होल्स नहीं रहते,
जिस कारण जब भी पेशेंट खांसेगा तो जंतु बाहर नहीं आ सकते। जैसे पेशेंट छींक रहा है या चिल्ला रहा है तो मुंह पे रुमाल रखना जरूरी है, जिसके कारण जंतु बाहर नहीं आ सकते। तो यह प्रिकॉशन लेना जरूरी है। वैसे ही अपने कारण बच्चे को हुआ न होने के लिए पेशेंट ने बच्चे का एक टेस्ट बोल दिया, मांटूस टेस्ट करके लेना जरूरी है। उस मांटूस टेस्ट पॉजिटिव आया तो बच्चे को टीबी नहीं होने के लिए उसको कीमोप्रोफाइलैक्सिस करके मेडिसिन आती है, उसमें आइसोनियाजाइड यह मेडिसिन 6 महीने के लिए दिया जाता है, उसके कारण उसे टीबी नहीं होते है। तो एक तो आइसोलेशन और दूसरा कीमोप्रोफाइलैक्सिस, यह दो तरीके टीबी नहीं या टीबी को प्रिवेंशन करने के हैं। डॉक्टर साहब, क्या गर्भावस्था के दौरान टीबी हो जाने पर गर्भावस्था को जारी रखना चाहिए? गर्भावस्था के दरमियान टीबी हुआ तो टीबी की दवाई का कुछ बुरा असर गर्भ पे नहीं होता है, इसलिए टीबी दवा टीबी लेकर गर्भ अवस्था कंटिन्यू कर सकते हैं। मगर कई बार कुछ टीबी ऐसे होते हैं जैसे स्पाइनल टीबी, ब्रेन टीबी, इस दरमियान माँ खुद को ही संभाल नहीं सकती है, उस दरमियान गर्भावस्था समाप्त करना ही अच्छा है। मगर पेशेंट को माँ को फेफड़े का टीबी हुआ होगा और उस दरमियान टीबी की दवाई लेते हुए माँ गर्भावस्था कंटिन्यू कर सकती है। डॉक्टर साहब, क्या टीबी जड़ से ठीक होने वाली बीमारी है? हाँ हाँ हाँ, टीबी ठीक 100% ठीक होने वाली बीमारी है। यदि पेशेंट ने डॉक्टर ने बताए हुए तरीके से 6 महीने का या 9 महीने का रेगुलर ट्रीटमेंट का कोर्स किया तो 98% पॉपुलेशन में 100% टीबी ठीक होने की संभावना है। खाली 2% पॉपुलेशन में रिलैप्स, जिसमें वापस जिंदगी में कभी तो एक बार टीबी होने की संभावना है। तो इसलिए टीबी ये क्यूरेबल डिसीज है। डॉक्टर साहब, टीबी की बीमारी में पेशेंट को किस प्रकार का आहार लेना जरूरी है? टीबी के बीमारी में दो प्रिंसिपल है, एक तो दवाई टीबी की रेगुलर लेना जरूरी है। पुराने जमाने में जब टीबी की दवाई अवेलेबल नहीं थी या इतनी स्ट्रॉन्ग दवाई नहीं थी, तभी खान पान का बहुत इम्पोर्टेंट था। मगर आज के जमाने में स्ट्रॉन्ग टीबी की दवाई होने के कारण पेशेंट रेगुलर डाइट ले सकता है। मगर कोई पेशेंट्स माल नरिश होते हैं तो उनको हाई प्रोटीन डाइट लेना जरूरी है, जैसे हर रोज अंडे खाना जरूरी है या प्रोटीन पाउडर लेना जरूरी है। मगर स्पेसिफिक ऐसा डाइट पे खर्चा करना और ट्रीटमेंट नहीं लेना, ये कुछ बराबर नहीं है। तो डाइट का इम्पोर्टेंट तो है ही, मगर ट्रीटमेंट में गलती करना जरूरी नहीं है। आपके और कुछ टीबी के बारे में प्रश्न होंगे तो आप नीचे दिए गए ईमेल पे हमें लिखें, उसका समाधान अगली पाठशाला में किया जाएगा।